कुछ दिनों पहले सर यहाँ पे एक अफसोसनाक वाक्य हुए जिसमें जो उम्मीद थी कि भाई पुलिस इनको बहुत जल्द पकड़ लेगी, तो अभी ये पता चला कि उसको ब्रश कर लिया उस गैंग को, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, जैसा कि आपको मालूम है कि मुजफ्फरगढ़ में 13 जून और 14 जून को दो बड़े दिलखराश वाक़यात हुए, जिसमें एक खातून को पहले रॉबरी के बाद ज़्यादती का निशाना बनाया गया मुलजिमान की तरफ से, और उसके अगले ही दिन एक खातून को हरासा किया गया, और उसके जब वर्सा उनके पीछे लगे तो उन्होंने उसके देवर को कत्ल और उसके सुसर को सीरियसली इंजर्ड कर दिया था। पुलिस ने आईजी साहब पंजाब की हदायत पर अपने तमाम वसाइल बरकरार लाते हुए और टेक्निकल असिस्टेंस की मदद से ना सिर्फ उन मुलजमान को ट्रेस किया, बल्कि इस पूरे 5 रुकनी गैंग को गिरफ़्तार कर लिया गया है। और इस गैंग ने अपनी इनिशियल इंटरोगेशन में इन दोनों वाकयात का एतराफ़ किया है इसमें मुलविस होने का। इजाज़ नामी शख्स इस गैंग की सरबराही करता है, और मुझे उम्मीद है कि जब आगे तफ्तीश बढ़ेगी तो इनसे मज़ीद इंकशाफात की भी तवक्को है। इनसे क्या क्या बरामद हुआ सर? जी, इनसे जो वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला और जो छीनी गई प्रॉपर्टी है वो भी रिकवर हुई है। इसके अलावा कुछ और जो वाकयात इस तरह के खान मुजफ्फरगढ़ में हुए थे उसमें भी इनकी जो शमूलियत है और इनका शामिल होने का इंकशाफ हुआ है।